सरकारी अस्पतालों में मरीज को बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सरकार भले ही करोड़ों रुपए खर्च करती हो, लेकिन इन सब के बीच गोरखपुर का जिला अस्पताल बदहाली का शिकार है। हाल ये है कि इस तपती गर्मी में भी अस्पताल के इमरजेंसी में जहां बंद बोर्ड में लगे एसी खराब हैं, वहीं विभिन्न बोर्डों के अधिकतर पंखे भी बंद हैं। इतना ही नहीं, स्ट्रेचर के अभाव में मरीज को तीमारदार अपने मरीजों को गोद में ले जाने को मजबूर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नज़ारा है गोरखपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिले का। आपको बता दें कि इन दिनों मरीजों की संख्या भले ही कम दिखाई दे रही है, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है। हाल ये है कि बर्न के मरीजों को जहां जलन से बचने के लिए ठंडे की जरूरत होती है, वहीं यहां बर्न बोर्ड में लगे 4 में से 3 एसी खराब हैं। अब मरीज गर्मी से चिलचिला रहे हैं, वहीं अन्य वार्डों का भी बुरा हाल है। वार्ड में लगे अधिकतर पंखे खराब हैं। मरीज के तीमारदार या तो हाथ के पंखे का सहारा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, स्ट्रक्चर के अभाव में तीमारदार अपने मरीजों को हाथ में ले जाने को मजबूर हैं। वहीं पूरे मामले पर SIC भी मानते हैं कि कुछ कमियां हैं जिन्हें शीघ्र दूर कर लेना चाहिए। फिलहाल एक तरफ जहां आसमान से आग बरस रही है और गर्मी से आम जनमानस बेहाल है, ऐसे में बर्न बोर्ड में भर्ती मरीजों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिल आपको मिली है, भीषण गर्मी में भी बहुत से पंखे और ऐसी खराब है, बनवाट ले गया था, क्या मामला है सर? मैंने यही इलेक्ट्रिकल साहब को ये हमारे संज्ञान में आने के बाद बुलाया था और उन्होंने निरीक्षण करने के बाद ये देखा और मेरे निरीक्षण में आया कि ज़्यादातर एसी खराब हैं। तो 37 एसी हैं और इसमें कुछ एसी तो चल रहे हैं, बर्न वार्ड में एक एसी चल रहा है, जैसे कि 3 एसी हैं, और लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर इमरजेंसी का एसी खराब है और उसके लिए हमने कोई व्यवस्था ना होते हुए कि इमरजेंसी के लिए 2 एसी हमने खरीदने के लिए ठेकेदार को ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि वहाँ भीषण गर्मी हो और उमस थी। नहीं, बर्न वार्ड में चल रहा है, एक एसी अल्टरनेट करके चलाया जा रहा है उसमें, लेकिन इमरजेंसी में जो एसी जहाँ पे मेडिकल लीगल और ओपीडी पेशेंट देखे जाते हैं, वहाँ के लिए मैंने एसी खरीदने के लिए कह दिया है। यहाँ समस्या एक आ रही है कि जो स्टोर कीपर थे उन्होंने कोई चार्ज नहीं दिया है और पुराने एसी कब से खराब है, इसलिए इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। और 160 पंखे हमें चलते हुए मिले हैं और कुछ पंखे जो ख़राब है उनको उतार के रिपेयर के लिए दिया गया है, तो वो रिपेयर होके आ जाएंगे तो जहाँ पे कम पड़ रहे हैं पंखे वहाँ पे लगा दिए जाएंगे। और इन दोनों की हमारी बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि चार्ज ना मिलने की वजह से हमें एक्चुअल स्थिति नहीं पता चल रही है कि ये पंखे अगर अनरिपेयरेबल है तो इसको कंडम किया जाए, और एसी भी अगर हेवी रिपेयर या अनरिपेयरेबल है तो ये भी कंडम किए जाए, तभी हमको नए एसी खरीदने की परमिशन मिलेगी। और इसमें चूंकि टाइम लग सकता है, तब तक गर्मी भी बीत जाएगी, इसलिए मैंने आवश्यक जगहों के लिए एसी व्यवस्था करने हेतु मीटिंग बुलाई थी और वो जल्द ही लगवा दिए जाएंगे। भीषण गर्मी में अस्पताल में पंखे और एसी खराब है, क्या करना चाहिए? हमारे गोरखपुर शहर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है एसी पंखे जो 100 लगे हुए हैं खराब हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ का अधिकारी और प्रशासन एकदम सुस्त पड़ा हुआ है और पब्लिक यहाँ पर उठी गर्मी से बेहाल हो रही है, मरीजों का दुर्दशा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका मेरा नाम मनमोहन निषाद। यही कि उसको सुधार हो, बनना चाहिए। यहाँ पर तो एसी ओसी का खराबी है, पंखा वंखा बनना चाहिए, पंखा जो एकदम स्लो चल रहा है, उसको मरम्मत हो या तो नया लग है। तो मरीजों को परेशानी हो रही है इससे, पंखा? हाँ हाँ, बिल्कुल परेशानी हो रही है, चूँकि ये CM का शहर है, इसका असर तो पड़ेगा ही। आपका नाम? नियाजुद्दीन। बाबू बहुत जब हम पूछता हूँ, भीषण गर्मी पड़ रही है और पंखे ऐसी अस्पताल में खराब है, लोग क्या कहना चाहेंगे? अच्छा,
बोले बाबू यहाँ बड़ा भीषण गर्मी पड़ा था, पंखा और एसी यहाँ चाहा था, सब खराब भइल बा, आदमी गर्मी से व्याकुल भइल बा ना। तो क्या चाहते हैं? चाहता नहीं कि एजा के सब सुविधा बन जा, पंखा एसी सब बन जा। कितने दिन से बानी आप यहाँ? हम बानी एजा 8 दिन से। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।